बना रहे हैं हम काली मलका, और अभी मैं चावल साफ कर देता हूँ। तो गाइस, आप दाल बनाएं या चावल बनाएं, उसको साफ जरूर कर लें, क्योंकि आप सोचेंगे कि दाल तो पैकेट वाली है, उसमें कुछ नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं, दाल में कई बार कोई नुकीली चीज़ निकल जाती है तो जो गले में तक पहुँच गई तो दिक्कत हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो बिना आलस करें, थोड़ा टाइम रहते ही दाल को साफ कर लें। ठीक है, अब हम चावल साफ करें, दाल हमने साफ कर ली। तो गाइस, पहले हम दाल धोएंगे 2 बार कम से कम और चावल 3 बार। तो गाइस, जो हम इसमें पानी डाल रहे हैं, दाल का ही पानी है, बाकी कम पड़े तो बाद में डाल सकते हैं, क्योंकि सीटी से बाहर निकलने लगता है एक्स्ट्रा पानी। लगा दो मम्मी चूल्हे पे। तो गाइस, देखते हैं कितनी सीटी बनती है। मम्मी तो कह रही है 4 सीटी में बनेगी, बाकी देखते हैं। चलो, मैं लगा दिया कुकर का ढक्कन एकदम टाइट। अब हम धोएंगे चावल 3 बार। तो गाइस, अब हम 3 बार कम से कम चावल धोएंगे। तो अब हम 3 बार चावल धोएंगे। थोड़ी आवाज कट गई होगी पानी की वजह से। और अभी तक यहाँ पे सीटी नहीं आई एक भी। तो गाइस, अब हमने चावल चढ़ा दिए। अभी किचन थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि यहाँ डॉग की रोटी बनी थी, तो इतना पानी बहुत है। 1 गिलास चावल के हिसाब से मतलब इतना पानी बहुत है। तो गाइस, अब पहली सीटी हमारी आने वाली है। तो पहली सीटी हमारी बच चुकी है, अभी 3 सीटी और लगेगी। इसमें देखते दाल की कंडीशन है, ठीक है ना। और हाँ गाइस, जब पहली सीटी आ जाएगी तो हमें गैस कम कर देनी है, ठीक है, जैसे हो रखी है लो पे। अब लो पे ही 3 सीटी बजेगी, इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, मतलब हमारी दाल बन के रेडी है। तो गाइस, अभी हम टमाटर और प्याज लेने के लिए आए हैं। दाल मैंने देख ली कितनी है, तो अंदाजे से 2 टमाटर मैं ले लेता हूँ। और हमेशा याद रखें, टमाटर बोले जो थोड़ा ख़राब हो रखा हो, मतलब ख़राब का मीन्स मेरा कहने का मतलब है जो थोड़ा गल रहा हो, क्योंकि वो ऐसे ही रखा रहेगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। एक हमने टाइट ले लिया है, एक हमने थोड़ा ये क्रैक हो रखा है, दब गया बेचारा, इसलिए इसका यह हाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरत हमें हरी मिर्च की भी होगी, जो कि हम 1 ले लेते हैं। प्याज का भी मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि खाना मैं भी बनाता हूँ कभी कभी, तो इतनी प्याज बहुत रहेगी। लो मम्मी प्याज। तो गाइस, मम्मी को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया है, मैं प्याज काट रहा हूँ, मम्मी ने टमाटर कर दिए। भी आ गई है और चावल भी बॉईल होने वाले हैं और टमाटर हमारे ग्राइंड होने के लिए रेडी हैं। चलो मम्मी, मिक्सी निकालो, मिर्च नहीं काटी, धो लो पहले इसको, मिर्च को एक बार धुली हुई तो है, धुली हुई है, ठीक है, काट लो इसे। और गाइस, मिर्च हो या धनिया हो, कोई भी चीज़ इसे धो के ज़रूर डालें, क्योंकि जो सब्जी वाले होते हैं या कोई भी इंसान होता है, उसका हाथ कितना साफ है हम नहीं जानते, तो बिना धोए कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। जैसे प्याज को नहीं धोना पड़ता और आलू को काटने बाद धोते हैं। मैं मिर्च कम खा लूँ, इसलिए मैं एक ही मिर्च लेके आया हूँ। और गाइस, हमारे चावल में बॉईल आने वाला है, देखिए उबाल तगड़ा आने वाला है। यहाँ मिक्सी लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि जैसी बॉईल होगा मैं कम कर देना है। गाइज, मैं आपको एक्यूरेट टाइमिंग ज़रूर बताऊंगा, आज इस बार तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने वॉच वगैरह चलाई नहीं है। ऐसा 10 से 15 मिनट में चावल बन के रेडी हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग जो होती है मैं वो बताऊंगा ज़रूर।
अब गैस हमने कम कर दिया है, दो सीटी आ चुकी है, दो सीटी और बजेगी, ठीक है। खोल के देखो ना पहले, वो तो नहीं जाएगा, गड्ढा गड्ढा सा बोलते हैं, गट्टा गट्टा सा। चलो गाइस हो चुका है पानी, तो गाइस हम इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रहे हैं, बाकी पक जाएगा वो, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा रहता है ना ये, तो फिर निकालने में दिक्कत होती है। चला लो एक बार, चला लो थोड़ी सी। तो गाइस हमारी मिर्च तैयार है छोंकने के लिए, टमाटर तैयार है, अब हम मसाला कूड़ा हमने यहाँ रख दिया साइड में। चल बन गई, बन गई, तीन सीटी में बन गई, तीन बजी हैं अभी, क्या करूँ, एक सीटी बजी है। चलो ख़राब तो नहीं हो गया ना, गला मत देना। हमारी जो चार सीटी आ चुकी है, अब हम इसकी सीटी किस तरह निकालते हैं मैं आपको वो सिखा देता हूँ। हल्का सा नल खोल दें थोड़ा प्रेशर के साथ, इस तरीके से हो सके तो पानी डालें पूरा और सीटी चेक करते रहें। सबसे इजी तरीका होता है पानी से, मतलब जो इसकी भाप होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कुकर के अंदर। तो अब हम देखते हैं, अभी थोड़ी सी बची हुई है इसके अंदर, अब हम इजीली खोल सकते हैं इसको। कभी भी झटके से ना खोलें, अच्छे से चेक करें, अब देखिए कितनी प्यार से खुलेगा। तो हमारी दाल जो है बढ़िया हो गई है, एक बार हम चेक कर लेंगे, कच्ची तो नहीं है। तो गाइस इसे हाटा बोलते हैं या हांडी बोलते हैं, मेरे पापा के टाइम की है। पक गई ना, देखना पक गया। तो वही गाइस, तीन या चार सीटी में आपकी दाल ओके हो जाती है, बट चार तो कम से कम लगती लगती, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है दाल। हाँ, अगर आप इसे पानी में भिगो के रखते हैं एक घंटा कुछ, तो शायद तीन में तैयार हो जाएगी, तीन सीटी में। और गाइस चावल में उबाल आ रहा है अच्छा वाला, और अभी थोड़े कच्चे हैं। और गाइस देखिए, चावल बनने की थोड़ी पहचान है, थोड़ा भरने लगा है, जो पतीला है वो चावल से भरने लगा है, क्योंकि वो बॉईल हो गया है। तो गाइस इस तरह से चावल को निकाल के दबा के देखा जाता है कि वो रेडी है कि नहीं है। अभी पक गया, अभी भी नहीं, अभी पाँच मिनट कुछ और लगेंगे शायद। तो गाइस अब हमारे चावल बन चुके हैं, गैस हमने कर दी बंद, अब जो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेस पानी, उसे हम निकालेंगे। उसके लिए थाली एकदम साइज़ की रखें, ऐसे पतीला आपका बढ़िया सा कपड़ा हो, थोड़ा गीला भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रिप अच्छी बने। तो इस तरीके से चावल का मांड निकाला जाता है, इसको मांड बोलते हैं हिंदी में, बाकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अभी यही रख देना, ठीक है ना, चावल देखने थे मुझे। थोड़ा पटको हल्का सा, मतलब झटको हल्का सा, बस ठीक है, हो गया आराम से। तो गाइस अब हम चावल की शक्ल देख, तो गाइस हमारा चावल बनके रेडी है। मेरे फ़ोन में स्पेस कम है, इस वजह से मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ, आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। बाकी आप चावल देख सकते हैं, एकदम खिला खिला बना है,
तो गाइज़ मेरे पास इस वक्त 57.2 MB का स्पेस है, इस वजह से मुझे व्लॉग को रोकना पड़ा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।